सरकार ये इमाम बाड़ा और बारगाह मौला मुझे बेहद पसंद आया। चार मिसरे मैं जिन मिसरों से पहचाना गया वो चाहता हूँ इसे मैं पेश कर दूँ। आपका तकल्लुफ़ नहीं करिए बहुत बार से के बाद आप तो वो तेरा सितमगार क्या हुआ बड़ा बड़ा नाज था उसको अपने तख्त और ताज क्या हुआ करे वो तख्त ताज। मुख्तसर इसलिए नहीं कह सकता कि मैंने अभी इब्राहिम साहब से कहा कि बहुत अच्छी महफिल हो रही है क्योंकि इतने लोगों में भी इतनी शानदार महफिल होना एक बहुत बड़ी बात है कि वो तख्तो ताज तेरा सितमगार क्या हुआ मुरझाए जिसमें फूल मुरझाए जिसमें फूल थे अब तक हुसैनियत के अरे महल हैं खड़े हुए। ये मौला के मां बाड़ों की शक्ल है। अब तक हुसैनियत के ताज तेरा सितमगार क्या हुआ मुरझाए जिसमें फूल वो हार क्या हुआ और अब तक हुसैनियत मिया
अब जल्द ही मुहर्रम नज़दीक आने वाला है, अब कोई ज़्यादा दिन नहीं रह गए रमज़ान के बाद, फिर तो हाँ इब्तिदा तो हो ही चुकी है। मैं चार मिसरे पेश करता हूँ जंजीर के मातम के ऊपर, कि जो लोग जंजीर का मातम करते हैं वो तो कितने जियाले और कितने बहादुर। मैं पेश करता हूँ कि जो जो भी है मातमी वो यकीनन दिले यकीनन दिले। उसको ये नहीं मालूम कि ये जंजीर कहाँ घुस जाएगी, कहाँ चला लग जाएगी। जो भी है मातमी वो यकीनन दिलेर है, या यूं कहूं के अपने इलाके का शेर। भैया देखिएगा कि इन जलजलों से कह दो के खामोश अब रहे, वरना अबू तुराब से अरे कहने की। मैं पेश करूं जलजलों से कह दो कि खामोश अब रहे, वरना अबू तुराब से कहने की देर है। एक नारे सलवार दे दीजिए भाई, आपने इतना अच्छा नारा लगाया। ये चार मिसरे आपके लिए पेश कर रहा हूँ, मातमी भी है माशाल्लाह। चार मिसरे मैं पेश कर रहा हूँ और आपसे दाद चाहता हूँ, खास तौर से सारे मजमे से चाहता हूँ लेकिन खुसूसन आपसे। सुनिए साहब, एक नारे सलवार भी दीजिए। कि जो भाई जो दुश्मन है दर पा तबर्रा ना करेगा, जो दुश्मन है दर पा तबर्रा ना करेगा, अरमान मोहम्मद का वो पूरा। माशाल्लाह माशाल्लाह।
माशाल्लाह। अरमान मोहम्मद का वो पूरा ना करेगा। सुने भाई कि जो जो करता रहेगा सदा, अरे शब्बीर का माता अल्लाह कभी भी उसे अरे भूला करता रहेगा सदा शब्बीर का माता अल्लाह कभी भी उसे अरे भूला चार मिसरे में और पेश करता हूँ, खास तौर से देखिएगा, शायद किसी काबिल हो, बहुत पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं माशाल्लाह से यहाँ पर, देखिएगा चार मिसरे में पेश करता हूँ खास तौर से। हैरत हैरत से कह रही थी जमीन आसमान से, हैरत से कह रही थी जमीन आसमान से, ये कौन आ रहा है बड़ी आनंद, ये कौन आ रहा है बड़ी आनबान से। मिसरे खास तौर से कि असगर ने, चौथा मिसरा खास तौर से, मौला सलामत रखे सबको, चौथा मिसरा खास तौर से मिसमिया, असगर ने मुस्कुरा के कहा कहा सुन ले हुरमुला अब मत कभी उलझना किसी के, असगर ने मुस्कुरा के कहा सुन ले हुरमुला अब मत कभी उलझना किसी पे से, अब कभी उलझना किसी, बहुत अच्छे अच्छे अचार आपने सुना, अब मत कभी उलझना किसी बेजुर। रजा भाई खास तौर से देखिएगा, चार मिसरे और पेश करता हूँ मैं खास तौर से देखिएगा। कि हुसैनियत का आलम आज भी जमाने में, हुसैनियत का आलम आज भी जमाने में,
बुलंद होता सभी को दिखाई दे, बुलंद होता सभी को दिखाई देता है, दिखाई देता है, दिखाई देता है, सुनाई देता है। मेरे वतन नसीराबाद में भी जो बहुत तेज मातम उठता है उसको बुजुर्ग लोग बीच में आके खड़े हो जाते हैं जवानों के और कहते हैं अब डेहोल उठाओ, डेहोल डेहोल उठाओ, ये देखिएगा वो जबान मुझे आज भी याद है कि डेहोल डेहोल उठाते हैं हम इसलिए मोहर्रम में, डेहोल उठाते हैं हम इसलिए मोहर्रम में, सुना है आपको ऊंचा सुना देता है। जिंदा रहिए, सलामत रहिए भैया, आप लोगों की मौजूदगी दरगाह में। अभी जनाब नया रुख पेश कर दिया आपने, बहुत जनाब इब्राहिम साहब का नाम आज कौन नहीं जानता है, एक अरसा हुआ कि हम भी जानते हैं नाम माशाल्लाह से, और इब्राहिम साहब की वजह से फतेहपुर पहचाना जाता है और माशाल्लाह हाँ पहचाना जाता है, और आपने लखनऊ में भी बड़ा नाम कमा रखा है माशाल्लाह से। अभी आपका हुक्म हो रहा है कि शायद अंदर से घर से फरमाइश आई है कि वो जंजीर वाला फिर से पढ़ दीजिए, तो मैं चार मिसरे फिर से बड़े दे रहा हूँ, दरगाह में ही देखेंगे इसे। एक नारे सलवात कि जो 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 भी है मातमी वो यकीनन दिल है, जो भी है जो भी है जो भी मातमी वो यकीनन दिल है, या यूं कहूं के अपने इलाके का शेर है, या यूं कहूं के अपने इलाके का शेर है, और इन जलजलों से कह दो के खास तौर से सलामत रखे, खास तौर से इब्राहिम साहब एक मतला हो दो तीन शेर पेश करता हूँ, सुन ले आ गए
रजा साहब वो मिसरा याद होगा आपको, हर हदीस की किताब में लिखा रहता है, आ गए जावरे तहीर में आने वाले, उससे मुतासिर होकर के मैंने कुछ कोशिश की है। रजा ये वो इब्राहिम भाई कि सुन ले ऐ महफिले पुर नूर सजाने वाले। देखिएगा भैया देखिएगा सरकार, सुन ले ऐ महफिले पुर नूर सजाने वाले, गम गम तेरे तुझ से बहुत दूर है जाने। आ गए चादरे तत्हीर में आने वाले, हुक्मे खालिक है उधर उधर कोई न जाने पाए। तुम्हें खालिक है उधर कोई न जाने पाए, आके चादर तत्हीर खालिक है उधर कोई न जाने पाए, आके चादर तत्हीर में आ। हुक्मे खालिक है उधर उधर कोई न जाने पाए, आके चादर तत्हीर, आ गए तत्हीर में आले वाले, हुक्म खालिक है उधर कोई न जाने वाले। और शेर पेश कर रहा हूँ खास तौर से, देखिएगा इब्राहिम भाई, कि अपने अपने
दुश्मन को भी सेराब किया कर अपने दुश्मन को भी सेराब किया कर के घराने वाले और शेर पेश करो ना भाई देखिए अभी सब यहाँ खास तौर से जरकाम भाई के जुस्तुजू में तेरी ईसा भी है हुक्म रब से जुस्तुजू मुसल्ले को बिछाने वाले शेर छोड़ रहा हूँ मक्ता पेश है लखनवी साहब देखिएगा मिर्जा लखनवी साहब खास तौर से के ऐसे होते हैं हाँ सलामत रहो के कह दो रिजवान से के हट जाए दरे जन्नत से कह दो रिजवान से के हट जाए दरे जन्नत से अब्बास उठाने वाले और हमको कहते हैं असद हम हैं दुआए जहरा हमको कहते हैं असद हम दुआए जरा अरे मिट गए हम
زمان سے مٹانے چادر تیر میں آنے والے ایک نعرے سلوا کر دیجیے کہ حکم خالق ہے ادھر کوئی نہ جانے مرزا لکھنوی صاحب کا حکم ہے کہ ایک کلام اور سنوں گا تو ایک بات جو بلند نعرے خدا سلامت رکھے ہمارے سبھی بزرگوں کو سبھی جوانوں کو خدا سلامت رکھے سبھی شاعروں کو اور محفل سجانے والوں کو خدا سلامت اور اثر صاحب کو بھی زندہ کہ مجبور مطلب پیش ہے کہ مجبور تھا حاکم کسی خدار کے آگے جو ہاتھوں کو جوڑے ہوئے وہ مجبور ہوتا ہے مجبور تھا حاکم کسی خدار کے آگے کچھ کچھ بس نہ چلا صبر کی تلوار ماشاءاللہ چلا صبر کی تلوار کے آگے تلوار کے آگے جھکنا ہی پڑا ظلم کو بیمار کے آگے دیکھیے گا شاید کسی قابل ہو جھکنا ہی پڑا ظلم کو بیمار کے آگے بیڑی درخواست بھائی بیڑی بیڑی جو پنہانے لگے ارے آواز کیا ارے جھکنا ہی پڑا ظلم کو ارے جھکنا ہی بیڑی جو پنہانے لگے آواز یا جھکنا ہی پڑا پڑا ظلم بیمار کے رضا بھائی دیکھیے گا مرزا صاحب بسمیا دیکھیے گا شاید کسی قابل ہو سرکار ماشاء اللہ سلامت رہیے دیکھیے گا یہ شعر کہ حسن
अली अकबर का सफर गए तलक है। हुस्ने अली अकबर का सफर है तलक है। अरे यूसुफ ना बढ़े मिस्र की शहजादे जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम का 1400 साल पूरा हो रहा है। सभी शायर जो है दुआएं ले रहे हैं शहजादे से, जवान जवान अली अकबर से दुआएं ले रहे हैं। के झुकना ही पड़ा जुल्म को बीमार के आगे, हुस्ने अली अकबर का सफर गैर तलक है। अरे यूसुफ ना बढ़े मिस्र के बाजार के आगे, यूसुफ ना बढ़े मिस्र बाजार, यूसुफ ना बढ़े मिस्र की बाजार के आगे। ये शेर भी बहुत पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं माशाल्लाह, ये शेर भी खास तौर से मैं चाहता हूँ कि आपके सामने पेश करूँ। जरगाम भाई शहद किसी काबिल हो देखिएगा, क्या शूर मिस्र सानी खास तौर से, क्या शूर को ये शोर उठा काए नात में। मिस्र सानी मैंने कहा खास तौर से, आशूर को ये शोर उठा काए नात में। गला कट गया इनका, इनकार के आगे कर कट गया इनकार के आगे। और ऐ आजादारों, ऐ मातमी अंजुमनों वालों, ऐ अंजुमन वालों, ये दो मिसरे खास तौर से देखना शायद किसी काबिल हो। देखिएगा भाई अमी समिया देखिएगा कि ताजीम ताजीम को उठने लगे रिजवान ये कहे कहे, ताजीम को उठने लगे अरे रिजवान ये कह कर, क्या मेरी हकीकत है आजाद। Oh, my God.
आजादार के आगे क्या मेरी हकीकत है, आजादार के आगे। शेर छोड़ रहा हूँ, मक्ता पेश कर रहा हूँ कि बेटी बेटी थी असद शेर की, मिसमिया यहाँ बैठे हुए हैं और सभी जानते हैं कि बिलाल जनाब बिलाल कादमी साहब को अल्लाह सलामत रखे, उनके ये छोटे भाई हैं। क्या कहना बिलाल साहब का इस वक्त माशाल्लाह, कि बेटी बेटी थी असद शेर की, क्यों दे ना खुतबा भैया। बेटी थी असद शेर की, क्यों देती ना खुतबा, चुप रहती भला कैसे, अरे सितमगा सितमगार के आगे, चुप रहती भला कैसे सितमगार के आगे। अरे हुस्ने हुस्ने अली अकबर का सफर गए तलक है, बड़े बाजार के आगे, झुकना ही पड़ा जुल्म को बीमार के आगे। एक नारे सलवा दीजिए, इब्राहिम साहब का हुक्म है, बस ये फिर इंशाल्लाह हुक्म खुदा और मर्ज़ी मौला हुई तो फिर इंशाल्लाह ऐसा ही हुक्म हो जाएगा जैसा आज हो गया। बारा का मैं अभी से वादा ले रहा हूँ, बारा का कहीं का वादा न लीजिएगा आप, जो मैंने कह दिया है इंशाल्लाह। ये बारा का वादा आपका इंशाल्लाह आपको आना ही आना, इंशाल्लाह ठीक है। चलिए मैं पेश कर रहा हूँ कि गई जिंदगी यूं सवर धीरे धीरे, गई जिंदगी होती है जैसे धीरे धीरे, और कोई कोई आने वाला है पर्दे से, कोई आने वाला है खबर धीरे धीरे, ये उड़ने लगी है खबर
धीरे धीरे कि सभी तो है मौजूद सभी तो है मौजूद महफिल मिले सभी तो है मौजूद अरे दुनिया मिले किसे ढूंढती किसे ढूंढती है नजर धीरे धीरे और लिया 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 नाम है दर जुबान से जो मैंने लिया लिया नाम है दर अरे जुबान से जो मैंने चले शेख जी चले चले शेख जी घर शेख जी चले लिया नाम है दर अरे जुबान से जो मैंने चले तुम किधर घर धीरे धीरे और अली 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 बन गए जब जमाने के मौला अली अली बन गए जब जमाने के मौला बहुत रोया को अली बन गए जब जमाने के मौला बहुत रोया कोई बशर बहुत रोया कोई बशर धीरे धीरे और ये शेर भी खास तौर से देखिए शायद किसी काबिल हो कि तुम्हें तुम्हें मुफ्तियों में समझ बूझ तुम्हें तुम्हें मुफ्तियों में अरे समझ बूझ लूंगा अरे जवां हो रहा है पिसर जमा हो रहा है धीरे धीरे जमा हो रहा धीरे धीरे शेरों को छोड़ रहा हूँ बद्दो शेर एक शेर जो मुझे खुद पसंद है मीसमिया वो मैं पेश करता हूँ खुदा सबको सलामत रखे मौला सलामत रखे फिर से आपको फर्श अदा और फर्श विला
मिलाद करना नसीब हो इंशाल्लाह ताला। क्योंकि इब्राहिम साहब का हुक्म हुआ 12 तारीख के लिए, तो चूंकि मैं अगर बाहर मुल्क से ना रहा, अब जैसे मुझे अभी भी बाहर ही जाना था, आज भी यहाँ यूपी में कहीं बाहर जाना था, मौला आपसे खुद पढ़वाएंगे। हाँ बस बस ये मौला के ऊपर है कि अगर उनका हुक्म हो गया तो मैं ज़रूर पढ़ूंगा इंशाल्लाह ताला। तो शेर में पेश कर रहा हूँ, शायद किसी काबिल हो, देखिएगा मुझे बहुत पसंद है कि खुदा खुदा जाने दो जाने क्या कह दिया, खुदा खुदा जाने दो जाने। अभी किसी ने जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर पे, हाँ अली मियां ने पढ़ा था कि मेरा हबीब जरूर आएगा, है ना। क्या क्या था बेटा मिसरा, कोई मदद को आए ना आए मेरा भी मेरा मुझे यकीन है मेरा हबीब मेरा हबीब आएगा। बहुत अच्छा माशाल्लाह से अली मियां ने बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह से खासतौर से। के चले शेख जी तुम किधर धीरे धीरे, और खुदा खुदा जाने दो जाने क्या कह दिया है, खुदा जाने जो जाने क्या कह दिया है, जो कसता है बूढ़ा कमर हुसैन का बुलावा आ गया, हुसैन का बुलावा आया, खुदा जाने दो जाने क्या कर दिया है, जो कसता है बूढ़ा कमर धीरे धीरे, जो कसता है बूढ़ा कमर धीरे धीरे, और गमे गमे मक्ताजिर है कि गमे शह की कश्ती से जन्नत की जानिब, गमे शह की कश्ती से अरे जन्नत की जानिब, असद भी करेगा धीरे धीरे, जो होती है जैसे सहर धीरे धीरे। अच्छा 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 जी क्या कहना है के लिया नाम है चले शेख जी तुम धीरे धीरे, चले शेख जी तुम किधर धीरे धीरे, अली अली बन गए जब जमाने के मौला, अली अली बन गए बहुत रोया धीरे धीरे, बहुत रोया तो बसर धीरे धीरे। अच्छा सलामत रहो, असर मियां याद दिला रहे हैं मुझे, चलो बड़ा पेश किए दे रहा हूँ खास तौर से। बहुत रोया कोई बशर धीरे धीरे, सुने भैया खास तौर से, कि फजाइल को मौला के कम करने वाला, आज आज कोशिशें हो रही फजाइल को कम करने, फजाइल को मौला के अरे कम करने वालों,
निकालूंगा तुम से कसर, निकालूंगा तुम से कसर धीरे धीरे, के होती है जैसे सहर। खुदा जान सलामत रहिए, सलामत रहिए। खुदा जाने वो जाने, अरे क्या क्या कह दिया जो कसता है बूढ़ा कमर, धीरे धीरे जो कसता है बूढ़ा कमर, धीरे धीरे के होती है जैसे सहर, धीरे